हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ गोयल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्यों ये सब्जेक्ट तो मैं आज लेक्चर बनाऊंगा। क्या होता है, बच्चे डिप्लोमा डिग्री पास तो कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है क्या डिफरेंस है इंजीनियरिंग एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वो लाइटली भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने मेरी लाइफ में देखा हुआ है, तीन तीन चार चार साल तो कंपटीशन प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बावजूद भी लोग क्रैक नहीं कर पा रहे, पास नहीं हो पा रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्यों? तो मैं शॉर्ट में थोड़ा पांच पॉइंट डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है। तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा तो आप आगे उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम आगे भी इसके वीडियो बनाएंगे कि हाउ इसके ऊपर बनाए हम लोग वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप प्रिपरेशन कीजिए, क्या क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। आज का हमारा सेशन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंजीनियरिंग एग्जाम लिमिटेड टू लिमिटेड सिलेबस मींस इंजीनियरिंग एग्जाम क्या होता है, लिमिटेड टू वन सब्जेक्ट। जो एक एग्जाम ले रहे हैं, एक सेमेस्टर हो, सेमेस्टर के एग्जाम में पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की एग्जाम ले रहे हैं तो लिमिटेड टू वन सब्जेक्ट होता है। उसका जो कंटेंट है, उसका जो सिलेबस है वो लिमिटेड होता है। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या रहता है, आपके तीन साल में जो तीन साल डिप्लोमा और तीन साल डिग्री में जो सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं उन सबका कॉम्बिनेशन होके ये पूरा एक सिलेबस बनता है। तो इसका प्रिपरेशन करना टफ रहता है कंपेयर टू दिस। इसका प्रिपरेशन आप एक दिन में दो दिन में भी कर सकते हैं लेकिन इसका प्रिपरेशन के लिए आपको दो दो तीन तीन महीने मिनिमम आपको चाहिए इसका प्रिपरेशन करने। सेकंड पॉइंट क्या है, ओनली टेक्निकल एग्जाम क्वेश्चंस। इसमें जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एग्जाम क्वेश्चन होते हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, उसमें ओनली टेक्निकल ही होते हैं। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप एग्जाम देते हैं तो उसमें दो पार्ट रहते हैं, एक टेक्निकल पोर्शन रहता है, एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल पोर्शन नॉर्मली 200 मार्क्स का रहता है, नॉन टेक्निकल 100 मार्क्स का रहता है। इसमें भी एक परसेप्शन है कि आप क्लास थ्री दे रहे हैं तो क्लास थ्री में टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है, 100 मार्क्स में 60 मार्क्स टेक्निकल के रहते हैं और 40 मार्क्स नॉन टेक्निकल के रहते हैं। वो डिपेंड करता है किस डिपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हैं। थर्ड पॉइंट है इंजीनियरिंग एग्जाम और सब्जेक्टिव एग्जाम है। सब्जेक्टिव मींस कि आपको जो क्वेश्चन दे रहा है उसके लंबे से लंबे पॉइंट आपको लिखने हैं, लेकिन इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसके चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है और इसमें माइनस मार्किंग भी होता है। जनरली माइनस मार्किंग 0.25, 0.3, 0.33 तक जाता है। वो डिपेंड करता है कैसा होता, वो डिपेंड करता है किस डिपार्टमेंट के आप एग्जाम दे रहे हैं। इसमें ओनली सब्जेक्टिव एग्जाम है, इसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम एंड मेंस एग्जाम बहुत होता है। जैसे क्लास वन स्टेट एई का कोई एग्जाम देंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और मेंस एग्जाम भी होते हैं। एसएससी जेई में भी ऑब्जेक्टिव प्लस मेंस होता है और यूपीएससी में भी सेम रहता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम का जो कॉम्पिटिशन जो रहता है इंजीनियरिंग एग्जाम में वो लो रहता है, बिकॉज ये डिपेंड करता है ओनली कॉलेज। अब एक कॉलेज में 60% है, 120 है, 150 है, मैक्सिमम समझ लीजिए 200 है, तो कंपटीशन लिमिटेड होगा 200 पीपल में। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं वो डिपेंड करता है, वो 5000 हो सकता है, 10000 हो सकता है, 50000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। तो द कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई बिकॉज इट इज सब्जेक्टेड टू जॉब। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन टू पास। इंजीनियरिंग एग्जाम में क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। थियरी एग्जाम में आउट ऑफ 100 आप 40 में पास हो रहे हैं तो आप थियरी एग्जाम में पास हैं, बायो में 50 में से 20 में। तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको थियरी एग्जाम में 100 में से 40 लाना है, बायो एग्जाम में 50 में से 20 लाना है। क्वालिफिकेशन टू पास इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें तीन पार्ट है। जैसे क्लास थ्री है, स्टेट जेई में क्लास थ्री जो रहता है उसका प्रोसीजर ऐसा रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस कंप्यूटर स्किल टेस्ट।
सेकंड द क्लास क्लास टू ए स्टेट ए का जब एग्जाम आप लोग देते हैं तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम प्लस उसमें रहता है इंटरव्यू, और थर्ड ऑब्जेक्टिव एग्जाम प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, ये रहता है क्लास वन में, क्लास वन ए में आप एस एस सी जे में रहते हैं और यूपीएससी में रहते हैं। तो ये है समवट डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिशन एग्जाम और इंजीनियरिंग एग्जाम। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे वीडियो आपको और चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो हमें और ऐसे वीडियो हम बना सकते।